नो एंट्री में भारी वाहन हो रहे बेधड़ल्ले से प्रवेश, पॉइंट होने के बाद भी नहीं रोक पाते यातायात पुलिसकर्मी। शिवपुरी शहर में आए दिन यातायात पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म सा होते नजर आ रहा है। जहां यातायात पुलिस द्वारा हर पॉइंट पर यातायात पुलिस तैनात होने के बाद भी दबंगों द्वारा नो एंट्री में भी धड़ल्ले से निडर होकर वाहनों को दौड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुना बाईपास से पोहरी बाईपास, पोहरी बाईपास से ग्वालियर बाईपास तरफ जाने वाला रास्ता, जिस पर लगातार भारी संख्या में वाहनों का आवागमन लगातार होते दिख रहा है। जहाँ वीडियो में लगभग 5 मिनट के अंदर में से 4 से 5 भारी वाहनों का प्रवेश देखा। क्या शासन प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जब कोई घटना दुर्घटना घटेगी तो ही वे इस पर रोक लगाकर कोई कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी भी घटना का इंतजार शायद यातायात पुलिस कर रही है। मैं आपको बता दें कि पूर्व में भी ऐसी लापरवाही के चलते कई बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जहां भारी वाहनों के प्रवेश होने के कारण घटनाएं घटी। लेकिन उसके बाद कुछ समय तक सख्ती यातायात पुलिस विभाग द्वारा बरती गई, लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः किसी बड़े हादसे के इंतजार में हादसों को न्योता दिए जाते हैं, जिसके चलते शहरों में भारी वाहन प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। जहाँ अभी तक यातायात पुलिस विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्या वाकई में किसी बड़े हादसे का इंतजार यातायात पुलिस विभाग कर रहा है? जब इस बारे में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव से पूछा गया तो हमेशा की तरह पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं गुना बाईपास और ग्वालियर बाईपास के बीच में से नगर पालिका द्वारा लगे लोहे के पोल को तोड़कर भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं और उसको सुधारने के लिए नगर पालिका को भी बता दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आया। मोनू नामदेव, शिवपुरी। सर, शहर में लगातार नो एंट्री होने के बाद भी भारी वाहन प्रवेश हो रहा है, सर क्या कुछ कारण है? नो एंट्री लागू है, ये बात सही है शहर के अंदर अपना गुना बाईपास से ग्वालियर बाईपास से। लेकिन आपने देखा होगा, हमने पहले नगर पालिका के सहयोग से जो हाइट लिमिट पोल लगवाए थे, 4 जगह और लगवाए थे जहाँ से भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे 2 नाके लगते हैं, ट्रैफिक पुलिस 2 जगह रहती है, गुना बाईपास और ग्वालियर बाईपास। इसके बीच में 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहाँ से भारी वाहन प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से और अपना फतेहपुर की तरफ से और सोनचरिया की तरफ से। तो ये हमने नगर पालिका से बात चल रही है, तो तोड़ दिए कुछ लोगों ने पहले, उनको फिर से रिपेयर कराएंगे और सख्ती के साथ पालन करा रहे हैं। जो नहीं पालन कर रहे उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और एक चीज़ और, ये अभी तक जो रैक चलती थी शहर के अंदर से, वो बिल्कुल बंद कर दी है अभी, तो अब वो रैक भी नहीं चलेगी सर, वो आउटर चलेगी और कोई भी भारी वाहन प्रवेश शहर में प्रवेश नहीं करेगा। उस पर जुर्माना होता है, एक रसीद कटती है 5,000 रुपए की, उस पर जुर्माना होता है और नहीं कटाता तो न्यायालय कार्रवाई भी करती है। हमारे लगभग 100 से ऊपर कालानी कार्रवाई हमने कर चुके हैं अभी तक। सर, इससे पहले भी आपने नगर पालिका को सूचना दी थी पोल के लिए, अभी तक वो नहीं, नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है, 2-3 जगह उन्होंने लगाए, लेकिन 2-3 जगह तोड़ दिए गए, 3-4 जगह और हैं जो बता दिया है, बात भी हो गई है और जल्द से जल्द वो काम करा लेंगे पूरा, जिसके बाद बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे वो। इसके बाद भी कहीं ना कहीं से निकलते हैं तो वे कार्रवाई करेंगे।